बच्चों बड़ी प्यारी एमसीक्यूज, लॉफिंग गैस का फार्मूला बहुत ही पूछते हैं, एन टू ओ आसानी के लिए एन टू ओ। और भाई एच थ्री पी ओ थ्री ऑप्शन ए था इस डायप्रोटिक एसिड, ऑप्शन बी था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी था बोलते हैं। तो याद रखो एच थ्री पी ओ थ्री इज स्ट्रॉन्ग डायप्रोटिक एसिड। क्या होता है स्ट्रॉन्ग डायप्रोटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है तो बोथ ए एन बी हो जाएगा। ग्रुप 5A में कौन सा एलिमेंट है जिसकी नो स्टेबल आइसोटोप, ये बड़ा अहम सवाल है। तो जी फॉस्फोरस की तो बड़ी मशहूर है, वाइट और रेड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की भी आइसोटोप होती हैं, और सॉरी रेड और वाइट आइसोटोप नहीं इलेक्ट्रॉप्स हैं, भारत फॉस्फोरस की आइसोटोप्स भी होती हैं, नाइट्रोजन की भी होती हैं, आर्सेनिक की भी होती हैं। ग्रुप 5A में जिसकी कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं होती, देखिए लफ्ज़ मैंने स्टेबल का, अनस्टेबल तो किसी की भी बन सकती है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है स्टेबल आइसोटोप, बिस्मिथ की नहीं होती। और विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, तो फॉस्फोरस की, हाँ जी वाइट और रेड फॉस्फोरस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉप का मतलब होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि डायमंड टूल की हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस की तो बहुत होती हैं, आर्सेनिक की भी होती है, एसपी एंटीमनी को कहते हैं इसकी भी बहुत होती है, किसकी नहीं होती, नाइट्रोजन की नहीं होती इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट है।